वेलकम स्टूडेंट्स, साडा अज दा टॉपिक आ परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक बारे असीं जाणांगे की हुंदा। ये टॉपिक आ जिहड़ा ये इकनोमिक्स दे स्टूडेंट्स, एजुकेशन दे स्टूडेंट्स ते स्टैटिस्टिक्स दे स्टूडेंट्स लई जिहड़ा बेसिक कंसैप्ट आ परसेंटाइल दा रैंक कढ़ना, तां अज असीं इहदे बारे जाणांगे। रिक्वेस्ट आ तुहानूं कि एंड तक वीडियो नूं देखिया करो, ता जो मोटिवेशन मिले। कमेंट करो, कोई चीज़ समझ नहीं आती उस लई कमेंट करो। जे तुहानू वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, वध तो वध शेयर करो ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। तो अज असी परसेंटाइल रैंक बारे पढ़ांगे। सब तो पहला साढ़े मन च ख्याल आता है, क्वेश्चन आता कि परसेंटाइल रैंक हुंदा की है। असी पहला कंसैप्ट कर चुके प्रपोर्शन वैल्यूज़ जां पार्टीशन वैल्यूज़ भी बोल देंगे ने, जिदे विच क्वार्टाइल डीसाइल परसेंटाइल असी किते ने। तां इह परसेंटाइल रैंक की आ अज असी इहदे बारे जाणदे आ। टिपिकली डिफाइंड एज द प्रपोर्शन ऑफ स्कोरस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट अ स्पैसीफिक स्कोर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो परसेंटाइल रैंक आ जिहड़ा उह किस तरह की प्रपोर्शनल वैल्यू आ स्कोरस की, किसी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच असीं इह देखदे आ कि स्पैसीफिक स्कोर जिहदा असीं परसेंटाइल रैंक कढ़ना उह किन्ना वाधा जां किन्ना घाटा जां इक्वल आ सीरीज़ दे विच। इन स्टैटिस्टिक्स द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ गिवन स्कोर इज परसेंटेज ऑफ स्कोरस इन इट्स फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर लैस दैन दैट स्कोर। तो असीं आम तौर पर कह दें कि परसेंटाइल रैंक आ जिहड़ा उह गिवन स्कोर की परसेंटेज, परसेंटेज भी असीं इस नूं कह सकते हैं कि परसेंटेज आ, तो उहदे बेस ते ही असीं जिहड़ा परसेंटाइल रैंक आ सीरीज़ दे विच किसी पर्टिकुलर स्कोर का असीं कढ सकते हैं। तो ये परसेंटाइल रैंक हुंदा है। हुण असीं गल करिए वेयर कैन बी यूज परसेंटाइल रैंक, इहदी वरतों असीं कित्थे कर सकते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड टू क्लैरिफाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोरस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो स्कोरस ने जिहड़े उन्होंने इंटरप्रैट किवें करना है उसनों क्लैरिफाई करता है। परसेंटाइल रैंक आर नॉट ऑन एन ईक्ल इंटरवल स्केल, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्कोरस इज नॉट द सेम एज बिटवीन एनी अदर टू स्कोरस हूज डिफरेंस इन परसेंटाइल रैंक इज द सेम। तो इतने असी उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की आ कि 50 तो 25 माइनस किए तो 25 होंदा, 60 चो 35 माइनस किए तो भी 25 होंदा, पर जे वैल्यू आंसर सेम आता तो मतलब ये नहीं कि असी दोनों सेम ही असी मन्नांगे। तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस आ जिहड़ा वह सेम नहीं हैगा। की दसदा है सानू परसेंटाइल रैंक? अ परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स हाउ वैल अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स इन द स्पेसिफिक नॉर्म ग्रुप। तो अपनी क्लास के विचों किसी स्टूडेंट ने क्लास के विचों किस तरह की परफॉर्मेंस की है, तो उसका कंपैरिजन असी करते हैं इस नाल। फॉर एग्जाम्पल इन द सेम ग्रेड एंड सबजैक्ट, अ स्टूडेंट्स परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट स्कोर्ड एज वैल एज और बैटर दैन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द नॉर्म ग्रुप। कि वधिया जिहड़ा स्कोर हासिल किया है, रैंक वधिया रहा बच्चे का जां अगे नालों वधिया रहा, जां जिहड़ी क्लास वाइज आ वह रैंक आ नीचे गया जां उपर गया, ये चीज़ असी देख सकते दे नाल। इहदी कैलकुलेशन आ जिहड़ी इंडिविजुअल सीरीज़ ते कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दे विच कीती जांदी आ। तां इन्हां दे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज ने ते मैथड्स ने। इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच असी जिहड़ा फॉर्मूला है परसेंटाइल रैंक कढ़न दा, ओह पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 ओवर एन। तो इत्थे फार्मूला होर भी आउंदा है पर उत्थे सीरीज़ का फर्क हुंदा है। जदों साडे कोल सीरीज़ दे विच स्कोरस दित्ते हुए ने सानू,
उत्ते ऑर्डर दिता हुआ रैंकिंग ऑर्डर असी स्कोर सानू दते हुए ने उन्होंने असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लाते हुए असी उन्हों का सीरीयल नंबर जिन्हों कहते हैं उन्होंने रैंकिंग ऑर्डर लिख लेने होंने 1, 2, 3, 4, 5 तो इस तरह नाल की आ ये फार्मूला पुट करके इंडिविजुअल सीरीज़ के जिहड़ा रैंक आ वह कढ सकदे हो। इत्थे एन की आ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल नंबर किन्ने ने किन्ना डाटा लिया है असी आर की है रैंक पोजिशन ज सीरीयल ऑर्डर तुसी कह सकते हो विच जो भी कैलकुलेशन असी यूज़ करांगे तो इस तरह वैल्यूज़ पुट करके साड़ियां जिहड़े इंडिविजुअल सीरीज़ के जिहड़े रकमां ने उन्हां नूं असी सॉल्व कर सकते हैं। जे सीरीज़ कॉन्टीन्यूअस होवे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20-25, 25-30, 30-35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੋਰਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਐੱਫ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ Okay, thanks.